हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के हो रहे प्रयास। लोढ़ा विधायक लोढ़ा ने कैलाश नगर गांव में किया क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ। सिरोही शिवगंज विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन संसाधनों के अभाव में उनकी प्रतिभा आगे नहीं आ पा रही है। इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें प्रोत्साहन मिले, ताकि वे भी अन्य खिलाड़ियों की तरह राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने गांव, प्रदेश तथा देश का नाम रोशन कर सके। विधायक लोढ़ा गुरुवार को कैलाश नगर गांव में आयोजित 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। विधायक ने कहा कि जिले के खिलाड़ियों को खेल के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए जिला मुख्यालय पर शीघ्र ही खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के खेल मैदानों का भी तैयार कर विद्यालयों में विधायक कोष से खेल सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। विधायक ने कहा कि सभी विद्यालयों के संस्था प्रधान को भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने विद्यालयों में निरंतर खेल गतिविधियाँ आयोजित करते रहे। साथ ही जहाँ पर खेल मैदान नहीं है, वहाँ भूमि आवंटन की कार्रवाई की जा रही है। इस मौके पर ग्रामीणों की मांग पर विधायक लोढ़ा ने कैलाश नगर में खेल मैदान के लिए शीघ्र ही 15 से 20 लाख रुपए स्वीकृत करवाने का भरोसा दिलाया। इससे पूर्व विधायक लोढ़ा के कैलाश नगर पहुंचने पर प्रतियोगिता के आयोजकों एवं ग्रामीणों की ओर से उनका पुष्पहार एवं साफा पहनाकर बहुमान किया गया। तत्पश्चात विधायक ने फीता काटकर एवं पहली गेंद खेलकर प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। प्रतियोगिता आयोजक प्रवीण राजपुरोहित ने बताया कि 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता का आयोजन भामाशाहों के सहयोग से करवाया जा रहा है, जिसमें आसपास के क्षेत्र की 16 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का समापन 12 जून को होगा। प्रतियोगिता में विजेता टीम को 15,000 रुपए नगद तथा ट्रॉफी तथा उप विजेता टीम को 5,000 रुपए नगद तथा ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर भामाशाह प्रताप डागा, मोहनलाल नंदवाल, मोहनलाल उद्देश, गणेश राज पुरोहित, चुन्नीलाल डागा, खेताराम, राजू पुरोहित, दिलीप पुरोहित, रमेश राजगुरु आदि उपस्थित थे। जागरूक टीवी के लिए शिवगंज से मनोहर मीना की रिपोर्ट।